हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज कोई ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। आज कुछ आपके जो है कमेंटों के मैं यहाँ पे आंसर करने वाली हूँ। जो सवाल आ रहे हैं तो उनका आंसर आपको आज मिलने वाला है। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि थोड़ी सी बातें आपसे करूं, थोड़ी सी बातें आपसे करूं, लेकिन फिर सोच रही थी चलिए रहने देते हैं। फिर आज मेरा मन हुआ, आज वीडियो बनाने का मन नहीं था। आज मेरे हाथ में यहाँ पे पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, और ये पेन 2 दिन से हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, तो मतलब मेरा मन भी नहीं था। मैंने चलिए आज जो है ब्लॉग नहीं करते हैं। मौसम अच्छा ठंडा चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है 2-3 दिनों से, तो बस आज मेरा मन हुआ कि चलिए आज थोड़ी सी बातें आपसे कर लेते हैं। आपके कुछ सवाल हैं तो उनका आंसर भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले जो सवाल है वो है मेरी सिस्टर इन लोग को लेके, जो मेरे पास रहती हैं। शायद नए व्यूवर्स हैं जिनको नहीं पता है कि वो मेरी क्या लगती हैं। देखिए, मेरे ससुर जी मेरे साथ रहते हैं और मेरी बड़ी ननद मेरे साथ रहती हैं, मेरे सास नहीं हैं। तो सास नहीं है मेरी, ससुर हैं। सास इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी टाइम पहले जा चुकी है, बहुत सालों पहले जा चुकी है। तो ननद है मेरी। अब आप बोलेंगे कि ननद क्यों रहती है आपके पास? मेरी ननद थोड़ी सी ऐसी है, मतलब उनकी शादी नहीं हुई है, वो काम वाम नहीं कर सकती हैं, थोड़ा सा माइंड में उनके प्रॉब्लम है, तो वो मतलब नॉर्मल नहीं है, तो वो नहीं, शादी वगैरह नहीं हुई है उनकी, तो फिर मेरे पास ही रहेगी। मेरे हस्बैंड अकेले हैं, तो कोई भाई भी नहीं है, तो मैं अकेली बहू हुई और हस्बैंड अकेले बेटे हुए, तो ये हमारी फैमिली है। एक ननद मेरी और है जिनकी शादी हो गई है, मतलब हो रखी है, हमसे बड़ी हैं और ये भी हमसे बड़ी है, मतलब ये सबसे बड़ी हैं, और जिनकी शादी हो गई है वो दूसरे नंबर की हैं और मेरे हस्बैंड तीसरे नंबर के हैं। तो 3 बहन भाई हैं। तो मैंने चलिए ये मैं आपको बता देती हूँ। तो सास नहीं है, और ये सवाल आया है उस वीडियो पे जिसमें मेरे हाथ में पेन था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस पे आया है कि आपके इन-लॉज आपके साथ रहते हैं, आपकी हेल्प नहीं करते। तो मैंने चलिए आपको बता दूँ, तो इन-लॉज मेरे साथ रहते हैं लेकिन हालत मैंने आपको बता दी, तो मेरी हेल्प कैसे करेंगी? उन्हें काम करना नहीं आता है, नहीं है वो इस हालत में कि वो काम कर सके। वो एज में बहुत बड़ी हैं, मतलब तीनों बहन भाइयों में बड़ी हैं, लेकिन दिमाग जो है उनका बच्चों की तरह है, बिल्कुल बच्चों की तरह। उनको कोई समझ नहीं पाता है, कभी वो बच्चों की तरह करती हैं, कभी वो बड़ों की तरह करती हैं, लेकिन हाँ काम उन्हें करना नहीं आता है। हाँ, अपना नहा लेती हैं, खा लेती हैं, बस इतना करती हैं, खाना भी वो अगर डाल के देते हैं तो ही खाती हैं, तो ऐसी हैं वो। अब रही बात वीडियो में आने की, तो उनको वीडियो में मैं लेकर ज़्यादा नहीं आती हूँ, कभी थोड़ा बहुत उनका जो है क्लिप लगा देती हूँ कि आप उनसे मिल लें, आप उनको देख लें, लगा दूंगी अगली किसी वीडियो में, क्योंकि ज़्यादातर वो अपने रूम में ही रहती हैं या फिर ऊपर छत पर चली जाती हैं। उस टाइम मैं छत पर नहीं होती हूँ, तो पापा भी चले जाते हैं, वो भी चली जाती हैं शाम को, तो दोनों शाम को ऊपर चले जाते हैं, तो इसलिए कोई चांस ही नहीं पड़ता है वीडियो में आने का या कुछ, क्योंकि हर टाइम उनका यही है, बैठना, सोना, खाना, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं उनको वीडियो में लेकर नहीं आती हूँ। हाँ, अगर घर में 2 लेडी हैं तो बराबर बराबर काम करती हैं, तो फिर तो वीडियो में आएंगी ही, तो इसलिए वो वीडियो में नहीं आ पाती हैं। दूसरा कॉमेंट है, ये मेरे यहाँ पे आसपास में लोकल में भी होता है, मुझसे कोई मिलता है, कुछ पता लगता है, या मेरी शॉप है, कस्टमर आते हैं तो कोई उनको देखता है या उनकी आवाज़ सुनता है, मतलब कुछ भी हो आप समझ सकते हैं, तो उनको पता लगता है जैसे ही, तो वो बोल देते हैं कि इनको आप गांव में क्यों नहीं छोड़ देते, इनको आप अपने पास क्यों रखते हो। तो देखिए, चाहे वो आपका सवाल हो, चाहे वो यहाँ मेरे लोकल का सवाल हो, चाहे मेरे किसी का भी सवाल हो, मतलब तो मैं इसका आंसर ये करना चाहूँगी कि उनको मैं कहाँ छोड़ दूँ, क्यों छोड़ दूँ उनको मैं गाँव में, ये बताओ आप कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि उनकी माँ नहीं है, उनकी दूसरी भाभी नहीं है, कोई नहीं है मेरे अलावा, तो मतलब कैसे छोड़ दूँ उनको गाँव में? गाँव में जाती हैं। अब आप बोलोगे कि गाँव में तो वो थी, अभी आई है कुछ ही टाइम पहले, हाँ गाँव में रहती हैं, क्योंकि जो गाँव में है हमारा
जमीन वगैरह जो भी है खेती बाड़ी वो सब अभी इकट्ठा है। तो जिस दिन वो इकट्ठा नहीं रहेगा, खेती बाड़ी सबकी अलग हो जाएगी, पापा मेरे मतलब ससुर जी तीन भाई हैं तो सब ऐसे ही चल रहा है अभी, तो फिर कौन रखेगा, क्यों जाएगी वो गाँव में, नहीं जाएंगे। तो तब तक है इकट्ठा, देखिए आप समझ सकते हैं, जब तक कुछ दो भाई हैं तीन भाई हैं आपस में इकट्ठे रहते हैं तो ऐसे होता है, रह लेती है कुछ टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है मैं परमानेंट उनको वहाँ छोड़ दूँ, कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो और मेरे हिसाब से ऐसा कोई करेगा भी नहीं, मैं ही नहीं कोई भी नहीं कर पाएगा। और चलिए खैर कोई कर भी दे, सब तरह के बंदे होते हैं दुनिया में, आजकल अपना अपना देखते हैं, दूसरों का कोई नहीं देखता, कुछ ऐसे भी हैं और कुछ सब तरह के हैं, मतलब कुछ सबको देखते हैं कुछ अपना अपना देखते हैं। तो मैं उनको नहीं छोड़ पाऊंगी, वो मेरे साथ ही रहेंगी क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी हैं, पापा हैं मेरे ससुर जी, तो घर के बड़े हैं बुजुर्ग हैं, उनको रखना हमारी जिम्मेदारी है, फर्ज भी है, सब कुछ है। तो उनको हम अपने पास रखेंगे चाहे वो काम करे ना करे। और आप तो उनको अभी मिले हो कुछ ही टाइम पहले, मैं उनको 19 साल लगभग होने वाले हैं तब से अपने साथ रखती हूँ, और तब से मेरी ये पूरी फैमिली है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ना मैंने कभी ऐसा सोचा कि मैं इनको वहाँ छोड़ दूँ या छोड़ दूँ मेरी जान छूटे, तो ऐसा किसी को भी नहीं सोचना चाहिए, और मैं तो खैर सोच ही नहीं सकती क्योंकि मुझे ऐसे संस्कार मिले हुए हैं पीछे से। ये संस्कार होते हैं जो हम आगे जाके मतलब किस तरह से अपने परिवार को देखते हैं, अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, तो ये मुझे पीछे से मिले हुए हैं इस तरह के कि मैं उनकी देखरेख करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है। और हर बहू का फर्ज होता है अपने बड़ों का देखना, अपने बड़ों को देखना, उनकी जिम्मेदारी उठाना, उनकी हारी बीमारी में उनको देखना। मेरी सिस्टर इन लॉ मेरी नंद जिनकी मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मल नहीं है, फिर भी एक बार उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ यहाँ पे मेरे पास, अब कुछ ही टाइम पहले दिवाली पे हुआ गांव में, तो गांव में मेरी चाची सास हैं जिन्होंने उनका किया, सबने मिल बांट के किया, और जब मेरे पास थी मेरी दूसरी नंद आई हुई थी मेरे पास, तो हम दोनों ने मिल बांट के किया, उनको कुछ टाइम के लिए रखा, कुछ हमने किया, कुछ पापा ने किया, मतलब सब मिल बांट के हम करते हैं। तो उनको तो दो दो बार फ्रैक्चर हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि हमको मतलब उनसे कोई पीछा छूट जाए या कुछ ऐसा सोचें कि इनकी केयर ना करें, मर जाएगी चली जाएगी छोड़ के, नहीं ऐसा मन में भी नहीं आता है और ना ही ऐसा सोचना चाहिए, ये गलत बात है बिल्कुल। अपने बड़ों का ध्यान देना सबसे अहम बात है, सबसे जरूरी बात है। ये सोच लो कि हमें भी कभी इस एज में आना है, इस स्टेज में हम भी आएंगे, आज हम अपने बड़ों को छोड़ दें और उनसे कोई मतलब ना रखें, अपना ध्यान रखूं, अपने हस्बैंड का रखूं, अपने बच्चों का रखूं, बस यही मेरी दुनिया है, नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, किसी को भी नहीं सोचना चाहिए। खैर मैं तो सोचूंगी नहीं, किसी को भी नहीं सोचना चाहिए, बस ये ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन हमें भी इस स्टेज में आना है, हम भी आएंगे इस स्टेज पर, अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे, क्योंकि वे देखेंगे हमने अपने सास ससुर का कैसा किया है, मतलब उनके जो दादा दादी हैं हमने कैसी उनकी केयर करी है, तो वो सब देख रहे हैं, वो हमारे साथ करेंगे। अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूंगी, अगर मेरे मुंह से कोई वर्ड आपको गलत लगे तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन आज मैं यहाँ पे कुछ बात करने वाली हूँ जो मेरे मन में है इस तरह से, तो हमारे बच्चे भी ऐसा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और मेरी बात ले लीजिए, मेरे घर में तो बेटी भी नहीं है जिसे मैं दुख की अपनी दो बात बता दूँ, दो बातें उससे शेयर कर लूँ। मेरे घर में भगवान ने दो बेटे दिए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, पर आगे किसका क्या पता, आगे जाके बहुएं आएंगी, कैसा उनका मन बदल जाए, कैसा हो जाए, और हम कहाँ से कहाँ चले जाएं, क्या पता किसी को। तो अच्छा सोचो, अच्छा करो, अपने बड़ों का अच्छा करेंगे तो हमें भी आगे अच्छा ही मिलेगा, यही संस्कार बच्चों में जाते हैं। अगर मैं उनको गांव में छोड़ दूँ
उनकी केयर ना करूं, उनका खाने पीने का ध्यान ना रखूं, टाइम से उन्हें खाना ना दूं, अरे चलो बैठे हैं हो जाएगा जब बनेगा खा लेंगे, नहीं। मेरे बच्चे देख रहे हैं, मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, उन्होंने सबसे पहले यही सीखा है कि नहीं मम्मी दादाजी का कितना ध्यान रखती हैं। हमारे यहाँ बाबा जी बोलते हैं कि मम्मी बाबा जी का कितना ध्यान रखती हैं, मुझे ना बेचैनी लगी रहती है जब भी, मतलब खाने को लेट हो जाता है आप समझ सकते हैं, मेरा थोड़ा सा बिजनेस का काम भी चल रहा है आजकल, तो उसमें हो जाता है देर सवेर, लेकिन मेरे हाथ पैर ना फूल जाते हैं बिल्कुल, मतलब पापा क्या सोचेंगे, ये कैसा मतलब खाना बनाने का तरीका क्या, क्योंकि उनके थोड़े से जो है रूल्स हैं जिंदगी के, उनके रूल्स थोड़े से अलग हैं, डिफरेंट है दूसरों से। आर्मी रिटायर है मेरे फादर इन लॉ, तो इसलिए तो मैं वही सोचती हूँ, खाना उनको देना है, मुझे बनाना है, चाहे तो मैं उनके टाइम पे बना के दे दूँ अगर मैं फ्री हूँ। हाँ देखिए, ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल उनके जो है टाइम टेबल के हिसाब से कर देती हूँ, मैं बिजी भी रहती हूँ, कई बार लेट भी हो जाता है, देर सवेर भी हो जाती है, कुछ नहीं बोलते, लेकिन मेरे अंदर ना अपने आप आता है कि पापा क्या बोलेंगे, मतलब मेरे हाथ पैर ऐसे फूल जाते हैं, अरे लेट हो गया लेट हो गया, बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ, सबसे पहले पापा का खाना डाल के देती हूँ। वो तो खैर हमेशा ही मेरे घर में होता है, मेरे बच्चे छोटे भी रहे हैं, मैंने कभी अपने बच्चों को छोटों को भी खाना नहीं दिया, मैंने सबसे पहले अपनी ननद अपने ससुर जी को खाना दिया है, क्योंकि मेरी सास बहुत पहले से नहीं है, श्रेय करीब चार साल का भी नहीं हुआ था, श्रेय चार साल का था तब से मेरी सास नहीं है, देखो श्रेय 18 साल का होने वाला है, तो इतना मतलब टाइम हो चुका है। तो हमेशा तीनों टाइम का काम है मेरा, आप लोग देख नहीं रहे हो, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा मन जानता है, मेरा भगवान जानता है, मैं ये सब करती हूँ, मैं उनको टाइम से खाना सबसे पहले देती हूँ। हाँ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वो लेट लेते हैं, सबसे पहले इनका बनता है, मतलब इनको देती हूँ, ये ऑफिस जाते हैं, फिर इनका लंच पैक करती हूँ, और उसके बाद पापा की जब तक पूजा ख़त्म हो जाती है फिर पापा को देती हूँ, और सबसे बाद में अपने बच्चों को। सुबह का मेरा ये रूटीन होता है, तो ऐसा मेरा रूटीन है। अभी एक दिन पहले ना मैं मम्मी से बात कर रही थी, अभी तो मेरे पड़ोस में एक ऐसी बात मुझे पता लगी जिससे ना मेरा मन बहुत दुखी हुआ, और मेरे मन से ये बात निकल ही नहीं रही है जब से, सच में बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, मन ठीक नहीं है, मन बहुत उदास है, बेचैन हूँ, आपसे बात करना चाहती थी, काफ़ी ना इमोशनल हो रही हूँ मैं, तो मतलब आपसे मैं ये सोच रही हूँ कि किसी से मैं बातें करूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये बातें यहाँ पे की हैं, और फिर दो चार मेरे कमेंट भी थे ये जिनका मुझे आंसर करना था। खैर ये तो मेरे जो है जाहिर सी बात है सब नॉर्मल से हैं, इनको तो आपका हक बनता है पूछना, और इतना जानना आपका हक है, तो कोई बात नहीं है, तो लेकिन पता नहीं क्यों मन मेरा उदास है, बेचैन है, मैं खुश नहीं हूँ। हालांकि मेरे घर में सब खुशी है, अमन चैन है, सब कुछ है, सब बढ़िया है, पर पता नहीं क्यों मन मतलब बहुत ही बेचैन था, और मैं कई दिनों से सोच रही थी आपसे ये बातें करने का, तब से मुझे मम्मी ने ये बात बताई है। मम्मी से मेरी बात हुई, मैं डेली मम्मी से बात भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मम्मी को इतना टाइम नहीं होता जो मैं डेली बात करूँ, हाँ लेकिन अपनी भतीजी से कर लेती हूँ, भतीजे से कर लेती हूँ, और जैसे ही मम्मी को टाइम मिलता है तो मम्मी से भी कर लेती हूँ, तो मम्मी से एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेती हूँ, या दो दिन भी कभी बीच में हो जाते हैं, क्योंकि वहीं पे मम्मी रहती है, खाना बनाती रहती है, शगुन से कर लेती हूँ अपनी भतीजी से। तो मम्मी ने मुझे एक दिन बताया कि फला है मेरे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे कुनबा, कुनबा जो बोलते हैं ना, तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं हमारे कुनबे में ही बोलते हैं, बहुत दूर भी नहीं है, तो उनके तीन बेटे, तीन बहुए, एक बेटा बाहर है, दो बेटे गांव में हैं, बेटे के भी बेटों की शादी हो रही हैं, बहुए आ रही हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, बेटियों की शादी हो रही है, मतलब नाती पोते सब हो रहे हैं, बेटों को भी, उनके जो बड़े बेटे हैं ना, तो उनके भी नाती पोते हो रहे हैं, तो वे रहते थे अपने छोटे बेटे में, तो उन्होंने क्या किया, दूसरे बेटे के मतलब दूसरे भाई के घर छोड़ दिया उनको, उनको अच्छे से सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, ऐसी हालत में है, काफ़ी एज है, मतलब सोच लीजिए जिनके बेटों के भी नाती पोते हो रहे हैं तो उनकी एज क्या होगी, तो इतनी एज है उनकी, तो अच्छे खासे जमीन जायदाद के मालिक, मतलब अपनी एज में जब उनका था टाइम तो बहुत अच्छे खासे इंसान, काफ़ी प्रॉपर्टी वाले हैं वो, थे नहीं बोलूँगी, हैं वो, लेकिन क्या है
कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने दूसरे भाई के पास छोड़ दिया। दूसरे भाई ने क्या किया, उनको अपनी बहन के घर भेज दिया, मतलब उनकी बेटी के घर, बड़ी बेटी के घर। बड़ी बेटी ने क्या किया, उनके मतलब ससुराल भेज दिया। देखिए सुनिए जरा कितना दिल मतलब धड़कता है सुन के भी, मतलब उनके ससुराल भेज दिया। ससुराल वालों ने क्या किया, उनकी दूसरी बेटी के यहाँ छोड़ दिया। मतलब कैसे, मतलब क्या गुजरती होगी उस इंसान पे, जिसके तीन बेटे, तीन बहुएं, पोते, पोतियां, पोते की बहू, मतलब इतना सारा परिवार, मतलब क्या बीतती होगी उस इंसान पे। थोड़ा सा दो टाइम की देखरेख, दो टाइम का खाना, ये नहीं कर पाया। कम से कम इतनी फैमिली बड़ी है, एक बंदा तो कर ही सकता था ना, नहीं कर रहे हैं लोग ऐसे। मैं मतलब बुजुर्गों को लोग कुछ समझ ही नहीं रहे हैं आजकल, ये नहीं सोचते हैं लोग। यहाँ तक उस बंदे को पहुंचा दिया, अरे क्या बीतती होगी, कि क्या मतलब इतना, इतने बच्चे बड़े किए, इतना परिवार संभाला, इतनी प्रॉपर्टी उनको दी, क्या इसलिए कि उनके लिए दो रोटी भी नहीं है। मतलब बुजुर्गों को लोग कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, बच्चे नहीं समझ रहे हैं कि ये भी कभी, मतलब इन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, इतनी प्रॉपर्टी दी है, मतलब लोग ये नहीं समझते। हद है, कैसी सोच हो गई है दुनिया की। मतलब अपने में खुश, अपनी फैमिली में खुश, कैसे मतलब खुश रह सकते हैं ऐसे। मैं, मेरे साथ तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैं तो पागल हो जाऊंगी सच में, मेरा तो बस जीना ही मुश्किल हो जाएगा, मतलब दिमाग से बात निकलेगी। क्योंकि ये दूसरों की बात है जिससे मेरा कोई मतलब भी नहीं है, जिससे मेरा लेना देना भी नहीं है, इससे मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि उस इंसान को मैं जानती हूँ, अच्छे से पहचानती हूँ, हमारे घर पे आते थे तब हम छोटे थे, तो मतलब परिवार में ही थे, कोई दूर नहीं, तो मतलब मेरे ना दिमाग से ये बात निकल नहीं रही है। और ऐसा नहीं है, नहीं किया ये कहानी, ये कहानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। जिससे बातें करो तो यही सुनने को मिलता है। आप न्यूज़ देख लो, आप टीवी सीरियल देख लो, माँ बाप को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। अनाथ आश्रम में डाल रहे हैं माँ बाप को, छोड़ आते हैं, बेचारे तड़पते रहते हैं। हे भगवान, कैसी दुनिया हो गई ये। क्या कभी माँ बाप ने कुछ किया नहीं उनके लिए, उनको पैदा किया, इतना बड़ा किया। अगर माँ बाप हमें इतना बड़ा ना करते तो आज हम क्या होते यहाँ पे, ये नहीं लोग सोचते, बिल्कुल नहीं सोचते। बल्कि और सुनने को क्या मिलता है, क्या क्या इन्होंने हमारे लिए, कुछ भी तो नहीं किया। क्या किया हमने, तो खुद अपनी मेहनत की, मेहनत की मैं मानती हूँ, मेहनत मैं भी कर रही हूँ, मैं खुद अपनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन कभी तो किसी ने किया होगा ना, पहले तो उन्होंने ही सिखाया ना, इस काबिल बनाया ना उन्होंने। मेहनत तो हर किसी को करनी है, बड़े भी करते हैं, छोटे भी करते हैं, बेटे भी करते हैं, पापा भी करते हैं, सब करते हैं मेहनत। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको बिल्कुल भूल जाएं। अब मैं ही हूँ, मुझे ही आप ले लीजिए। तब हम हरिद्वार आए थे, अगर पापा हमें इजाज़त ना देते, मतलब इनके पापा, मेरे ससुर जी, तो क्या हम हरिद्वार आ पाते, नहीं आ पाते, मुजफ्फरनगर में ही होते। उनकी इजाज़त मिली, भले ही गुस्सा थे लेकिन मिली, गुस्सा थे उस टाइम, नहीं आना चाहते थे अपने घर को छोड़ के, और मैं मानती भी हूँ कोई भी नहीं आना चाहेगा। लेकिन इनकी जॉब यहाँ थी, ये 2 साल अकेले रह चुके थे, तो इसलिए हमें फिर यहाँ आना पड़ा था, तो इजाज़त मिली थी। फिर कुछ टाइम बाद आए, कुछ टाइम उसी घर में रहे, थोड़े से टाइम, फिर सोचा जब कोई है नहीं यहाँ तो मैं ही कब तक रहूँगा, तो फिर हमारे पास आए, तो तब हमने वो घर फिर सेल कर दिया था। तो ये बताओ, अगर उनकी इजाज़त हमें ना मिलती तो क्या हम यहाँ पर आ पाते, नहीं आ पाते। उनकी इजाज़त मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है अपने बड़ों का, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। पता नहीं क्यों नहीं लोग सोचते, और इतने खुश रहते हैं अपने आप में कि पता नहीं बस तुम तो क्या हो क्या नहीं हो। अरे भाई सोचो थोड़ा सा, अपने बड़ों के बारे में सोचो। और मैं ये सबको बोल रही हूँ, ऐसा मत करो। जिनके बड़े बूढ़े अनाथ आश्रम में पड़े हैं उनको बोल रही हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। और मेरे पास ऐसे, मतलब ये तो चलिए मैंने अपने गाँव की बात बताई है, मेरी व्हाट्सअप पर भी यूट्यूब फैमिली जुड़ी हुई है मुझसे, तो कई लोग ऐसे हैं,
बस यही सुनने को मिलता है, भाई भाभी ध्यान नहीं रखते माँ बाप का, ये मम्मी ये करती है, मम्मी वो करती है, मम्मी सारा काम करती है, भाभी काम नहीं करती, भैया ध्यान नहीं देते हैं, मतलब हर घर की यही कहानी हो रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए सच में। तो मेरा ना मन बहुत उदास है सच में, ऐसी बातें सुनकर ना मुझसे रहा नहीं जाता, पता नहीं क्यों। तो बताइए, मुझे यहाँ भी बोला किसी ने, तुम इनको गाँव में क्यों नहीं छोड़ देते हो, अपने साथ क्यों रखते हो? मतलब कैसे सोच सकते हैं लोग, बताओ कैसे गाँव में कोई मतलब ऐसे छोड़ दे, अपना पीछा छुड़ा ले, चलो हम तो खुश रह लें, कैसे खुश रह लूंगी मैं ये बताओ, नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरे अंदर तो ना बात ऐसी मतलब लग जाएगी, बिल्कुल नहीं निकलेगी, खुश रह ही नहीं पाऊंगी बिल्कुल भी मैं तो। एकदम ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एकदम नीचे में चली गई, ऊपर देख भी नहीं पाऊंगी किसी की तरफ, ऐसी जिंदगी हो जाएगी मेरी। तो पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई, थोड़ा सा चलिए बात आई गई है तो अपने माँ बाप का ध्यान रखे सभी, कभी उनकी भी ऐसी एज थी आप जैसी, आपकी कभी उनके जैसी एज आएगी, ऐसा नहीं है, सदा दिन एक जैसे नहीं रहते सबके, सबका टाइम बदलता है, सबका बदलता है, एक दिन बूढ़े भी होंगे, ये नहीं कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो उनका कोई मतलब है, मतलब ही नहीं है जीने का, या उनकी देखरेख करने का, या उनकी थोड़ी सी केयर करने का। उनकी केयर करो प्लीज, उनकी केयर करो तभी आपकी केयर होगी आगे, नहीं तो आपके बच्चे आपकी केयर नहीं कर पाएंगे। अगर मैं अपने बच्चों को नहीं सिखाऊंगी कि अपने बड़ों की केयर कैसे करते हैं, तो मेरे बच्चे मेरी केयर कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, किसी के बच्चे भी नहीं करेंगे। तो प्लीज ऐसा ना करें, सब अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, अपने बड़ों का ध्यान रखें, ऐसा ना सोचे कि उनको अपने से दूर कर दो, हमारी ज़िंदगी जो है खुशी से बीतेगी, हम बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। जो खुशी अपनों के साथ अपना फर्ज निभा के मिलती है ना, वो फर्ज से भाग के नहीं मिलती, भले ही हम जी लें खुश रह लें, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी खुशी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भाई, मेरे लिए तो है नहीं देखो। और हाँ, आप बताइएगा मुझे जरूर, मेरी ये बात आपको बुरी लगी या अच्छी लगी, और मुझे इस तरह की बातें शेयर करनी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे आप लोगों को ठेस पहुँचे या आप लोगों को बुरा लगे, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। आज मैंने थोड़ा सा आपके साथ ये शेयर करा क्योंकि मेरा मन उदास था इस बात को लेके कि लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। शेयर करने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मैं नहीं करती हूँ इस तरह की कोई टॉक सीरीज, नहीं करती हूँ कभी भी, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा कोई भी बात, कोई भी एक टॉपिक अच्छा लगा हो आज, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि मैंने क्या अच्छा बोला और क्या बोला गलत बोला, अगर गलत लगा है तो प्लीज़ वो भी बता दीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आगे से जो है नहीं हम इस तरह की कोई बातें करेंगे। तो चलिए, जो मैं फील करती हूँ वो आपके साथ आज शेयर किया, अच्छा लगा बुरा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे खुद ब खुद पता लग जाएगा कि हाँ आपको अच्छा लगा है, नहीं तो फिर आप कमेंट में बताइएगा, आप व्हाट्सएप पर बताइएगा, अगर कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मिलूंगी कल एक प्यारे से अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।